शिवहर जिले के जीरो माइल चौक पर एक दिवसीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ये श्रद्धांजलि सभा करनी सेना शिवहर द्वारा किया गया। करनी सेना सभी सदस्यों एवं संघर्ष समिति के संजय सिंह के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत एवं लद्दाख में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए चाइना को सबक सिखाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण एवं सरकार से अपील की। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में सीबीआई जांच हो। मौके पर टाइगर राजेश सिंह, दीनबंधु सिंह, रामशंकर सिंह, रामचेला, अनिल कुमार, प्रेमशंकर सिंह, शंभू सिंह आदि काफी संख्या में सदस्य एवं लोगों ने भाग लिया। साथ ही सभी ने कहा कि जल्द ही तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। करनी सेना के बैनर तले हम लोग आयोजित किए हैं, जिसमें हम लोग को श्रद्धांजलि देना है उन सपूतों को, उन वीरों को जो सरहद पे शहीद हुए हैं चाइना लद्दाख में। कई बार क्या होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत मिल जाए तो वो मुझे लगता है कि नुकसानदेह होता है। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अगर मैं आपका ध्यान आकर्षण करूँ तो यही हो रहा है। हमें लगता है कि शायद इन चाहे वो करण जौहर हो या कोई दूसरे हो, इनको हमने इन तीनों को इतना सर पे चढ़ा लिया है कि हमारी बिहारी अस्मिता भी वहाँ जाकर दम तोड़ देती है और ऐसा लगता है कि बिहार का जो मान सम्मान है सच में कहीं भी नहीं है, चाहे वो फिल्म सिटी ही क्यों ना हो। मनोज वाजपेयी समेत एक से एक कलाकार दिया है जहाँ बिहार ने, वहाँ स्थिति यह हो रही है कि वहाँ लॉबिंग हो रही है। मान लीजिए किसी एक खान से झगड़ा हो गया तो उसने सबने मिलकर लॉबिंग कर ली और लॉबिंग का नतीजा निकलता है कि इससे फिल्में छिनती गई हो, उस कारण से डिप्रेशन में सुसाइड हुआ हो या मर्डर भी हो सकता है। निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जहां तक बात चाइना की, मुझे लगता है जितना उसका साइज है उससे ज़्यादा उसके दिमाग में खुराफात भर आई है। मुझे लगता है मोदी जी को अब 56 इंच दिखा देना। क्या नाम हुआ? संजय सिंह।